सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये हमने बनाया था, ये है अपना गंधक का तेल। तो ये अभी मुकम्मल तैयार नहीं है, तो ये हमने कास्टिक पत्री और क्या कहते हैं 250 ग्राम कास्टिक पत्री और 250 ग्राम गंधक, तो गंधक आंवला सार वो हमने मिलाई थी। तो उसमें ये है कि अब ये अच्छे तरीके से हमने इसको रगड़ रगड़ के मिक्स किया था, मतलब पहले उसको हमने पाउडर किया, पाउडर करने के बाद फिर हमने इसको आपस में मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब उसने ये शक्ल इख्तियार की है काफ़ी देर इसको रगड़ने के बाद, मसलने के बाद। तो ये बेसिकली तो हमने इस तरीके से इसको किया। अब इसको हम जो है ना बीकर पर थोड़ी देर गर्म करेंगे ताकि ये तेल की शक्ल इख्तियार कर ले। अब ये है कि तेल तो ये है, लेकिन ये वो तेल नहीं है जो हमें चाहिए, ताकि अब इसको जो है हमें थोड़ा सा और अपने हिसाब से इसको बनाना होगा, ताकि आग पे जब ये पकेगा तो ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगा, तेल हो जाएगा, फिर हम इसको निथार लेंगे, मतलब उसमें से ऑयल ले लेंगे, बाकी जो हमारे पास वेस्टेज रह जाएगी वो फिर हम वेस्टेज यहीं छोड़ देंगे। तो अभी इंशाल्लाह फिर इसको भी आपका बताते हैं कि इसका अमल किस तरीके से हम आपको करके दिखाएँगे इंशाल्लाह। तो बने रहिए वीडियो में, तो उसको करके दिखाते हैं आपको इंशाल्लाह। तो ये हमने इसे बीकर में अभी रख दिया रेत यंत्र में, तो इंशाल्लाह अभी जैसे ही गर्म होगा तो ये तेल बन जाएगा ना, तो ये तेल बन जाएगा, तो फिर इसको हम किसी आतिशी शीशी में महफूज कर लेंगे, जैसे कि वो होती है ना शीशियाँ, शीशे कांच की शीशी में। तो इंशाल्लाह अभी ये तैयार हो रहा है, इसकी तैयारी चल रही है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए इंशाल्लाह। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।